भाई लेफ्ट कट लेते ही देखो ये वे आ गया, यहाँ से मेरे को जाना है सीधा सीधा। यार देख रहे हो कितना जान के जोखिम लेके यार कर रहे हैं काम यार। नहीं नहीं प्लांट्स के पास बिल्कुल नहीं छोड़ते, देखो नीचे ही रखते हम ज्यादा अपने पास। आई में कंफर्मेटरी नहीं है ये ठीक होगा नहीं होगा, मेरी बात समझ गए। एनी काइंड ऑफ बर्ड्स है, इंडियन हो एक्जोटिक हो कोई भी हो डोमेस्टिक हो, सबका ट्रीटमेंट होता है, यहाँ कहीं से नहीं जाता। बर्ड से लेकर का जो रैबिट्स का ज्यादातर प्रोजेनिकली लोग न्यूट्रिंग कराते हैं, लोग डरते हैं कि रिस्की सर्जरी होता है कहाँ कराएं, लोगों को अवेयर नहीं है पता। सो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बड़े होंगे, मैं तो बड़े हूँ। तो भाई आप सबके लिए लेके आया हूँ न्यू व्लॉग जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास पेट एनिमल है तो उसकी जैसे भी केयर करनी है वो सब तो मैंने आपको सिखा दिया होगा, समझ रहे हो? इतने व्लॉग देख के ना आटा खरीद सकते हैं, ना चावल खरीद सकते हैं, ना चीनी खरीद सकते हो कहते। पर अभी मैं बनी को लेके जा रहा हूँ पेट क्लिनिक में क्योंकि इसकी आंखों की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है इसीलिए। और मेरे को पता है आप सब कह रहे हो कि यार ये तुमने पहले भी दिखाया था, पर भाई अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास पेट एनिमल है उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कौन सी जगह आप लेके जा सकते हैं। तो मैं विकासपुरी डॉक्टर धीरज पेट क्लिनिक के पास लेके जा रहा हूँ और आप सबको पूरा व्लॉग दिखाऊंगा जिसमें कि आपको कहाँ जाना है, इधर वो पेट क्लिनिक है, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, कौन कौन से एनिमल्स का वहाँ ट्रीटमेंट होता है, तो वो सब आपको पता चलेगा। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, ज्यादा बकवास ना करते हुए। खौफनाक डकैत, देखो बनी को मैं ले जा रहा हूँ, आपको पहले दिखा देता हूँ बनी की कंडीशन। तो देखो इस कंडी में इसको ले जा रहा हूँ, ये देखो इसकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, व्हाइटनेस आ रही है इसकी आंखों में। तो अभी इसको मैं लेके जा रहा हूँ, बाकी कुकी ढूंढ रहा कि कहाँ गई बनी। देख रहे हो कुकी को, पहले वहाँ था बनी के साथ उस वाले रूम में, अभी यहाँ मैं लेके आया बनी को तो उसी के साथ आके बैठ गया। तो देखो इतना साथ देता है बनुली का, गुड बॉय गुड बॉय, फादर ऑफ 39 किड्स। तो भैया अब लेके चलता हूँ फटाफट बनी को और ट्रीटमेंट करवाता हूँ। ये देखो देखो ले जाने नहीं दे रहे, देखो अभी तोते मैं ले जा लो बनी को ये। तो यार मैं पहुंच चुका हूँ अभी चाणक्य प्लेस में, जानकी प्लेस भी कहते हैं और चाणक्य प्लेस भी कहते हैं। तो इसी वे से मैं जा रहा हूँ सीधा सीधा से सीधा, वहां से एक कट आएगा, वहां से मेरे को लेना है राइट टर्न। जनकपुरी वेस्ट से थोड़ा सा और आगे जाके फ्लाईओवर के नीचे लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है, यहाँ पर जाना है मेरे को और सीधे सीधे जाते रहो वहीं पर ही आ जाएगा धीरज पेट क्लिनिक। भाई लेफ्ट कट लेते ही देखो ये वे आ गया, यहाँ से मेरे को जाना है सीधा सीधा। सो भाई फ्लाईओवर में मत चढ़ना, उसके नीचे जो पहली लाइट आएगी वहीं से राइट साइड में देखो वहां पर है पेट क्लिनिक, तो उधर ही मैं जाता हूँ। उसी में देखो उसकी साइड में ही एक है द टेस्ट मीट शॉप। सो देखो सामने है डॉक्टर धीरज पेट क्लिनिक, तो इसमें नंबर भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है तो आप सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भाई सोशल डिस्टेंस तो करना ही है इसीलिए देखो मैं अंदर अभी जा नहीं रहा हूँ, अभी हैं 3-4 जने अंदर। यार देख रहे हो कितना जान के जोखिम लेके यार कर रहे हैं काम यार सच्ची में। एक अभी वायर देखो इन्होंने काट रखी है और बिल्कुल रोड पे गिर रखी है, तो उसको अभी ठीक कर रहे हैं। बहुत रिस्की काम है यार ये, बहुत ज्यादा रिस्की। पहले ये देखो बनुली की आंख, इधर ही प्रॉब्लम हो रही है इसको। नहीं नहीं प्लांट्स के पास बिल्कुल नहीं छोड़ते, देखो नीचे ही रखते हैं हम ज्यादा अपने पास, छत में नहीं ले जाते बिल्कुल भी। और साथ साथ पूरा ये माइट्स का बना हुआ है, जबकि मेल को पहले हुआ था ना आपसे ट्रीटमेंट कराया था वो ठीक हो गया बिल्कुल, ये भी ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, ये तो पूरा ये इंफेक्शन बना हुआ है, तो ज्यादा सीवियर है। कितना टाइम से है ये? ये सर इसको हो गया 2-3 हफ्ते हो गए इसको। तो आप उसी समय स्टार्टिंग में क्यों नहीं दिखा लिए थे? सर वो मतलब हल्का सा, मतलब जैसे आपने बताया था ना इसमें कपूर और कोकोनट ऑयल हाँ, तो आपने बोला था कि वो चीज़ का ट्रीटमेंट करते रहो, तो एक दो बार पहले बीच में हुआ है इसको तो उससे ठीक भी हो गया था, पर अभी जैसे इनकी आंखों में प्रॉब्लम आने लग गई ना बनी के इसके, तो तब मैंने बोला कि अब दिखाई देता हूँ इसको, ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, आँख बिल्कुल बंद हो गई थी इसकी। आई में कंफर्मेटरी नहीं है ये ठीक होगा नहीं होगा, मेरी बात समझ गए। सबसे पहले क्या 7 डेज के लिए मैं दूंगा आई ड्रॉप, तीसरे चौथे दिन से आपको दिख जाएगा कि इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। आप में कुछ इसके सप्लीमेंट दिए जाएंगे विटामिन सप्लीमेंट, उससे ज़्यादा इनमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। कितना दिन में डेवलप हुआ ये बताओ आप मुझे? ये इसको हो चुका है 1 हफ्ता पूरा हो चुका है। 1 हफ्ता हो गया ना, 1 से 1.5 हफ्ता। घर में कोई प्लांट गमला इस तरीके से कुछ होगा तो वहाँ आपने नहीं जाना, वहीं जाने नहीं देना, बिल्कुल नहीं जाने देना। वहाँ जाने देंगे तो कभी ठीक नहीं होगा और डैमेज होगा। अभी आपको पता है कि आपके पास में है प्लांट या नहीं, वैसे तो नहीं ले जाते इनको। सर इंजेक्शन इसको हर वीक लगेगा या
वीकली लगेगा। जैसे सर मेरे को पूछना हो कि ना मेरे को ना कॉल्स आते हैं वैसे बर्ड हॉस्पिटल बर्ड केबिन है जाके देखिए बर्ड केबिन हमने अलग ही बना रखा है। हाँ जी ये केबिन है बर्ड केबिन का यहाँ पर और एक केबिन ये वाला रैबिट का और बर्ड का ये वाला केबिन है और यहाँ पर ऑफिशियली डॉग का हो सर। जैसे बंद कर दिया गया इंडा बर्ड्स है इंडियन हो एक्जोटिक हो कोई भी हो डोमेस्टिक हो सबका ट्रीटमेंट होता है यहाँ कहीं से नहीं जाता बर्ड से लेकर बर्ड्स के मेडिसिन है गिन हमेस्टर माइस सबका ट्रीटमेंट होता है इवन कॉकरेल रूस्टर्स जो होते हैं सबका ट्रीटमेंट होता है जो फाइटर हैं या कॉक जो लग रखते हैं जिसे मुर्गा मुर्गी बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड उनका भी आप हाँ असील रखते हैं नेकेड नेक रखते हैं लोग फाइटिंग के लिए कुछ लोग शौक से भी रखते हैं चेब्रो ब्रीड ये सब तो सबका ट्रीटमेंट होता है इवन लोग जो पिजन पालते हैं डिफरेंट ब्रीड्स के भी या फिर ये अपना वाइल्ड पिजन भी किसी को जख्मी या किसी भी कंडीशन में मिलता है सबका ट्रीटमेंट होता है सबका ट्रीटमेंट होता है बर्ड रैबिट गिनी पिग रैट हैमस्टर माइस इवन ये इनका जो रैबिट्स का ज़्यादातर पोर्जेनिकली लोग न्यूट्रिंग कराते हैं लोग डरते हैं कि रिस्की सर्जरी होता है कहाँ कराएं लोगों को अवेयर नहीं है पता नहीं है यहाँ पे मेल का भी फीमेल का भी सभी का ऑपरेशन होता है विद से कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि मेरे को भी अपने रैबिट का पूछना ही था क्योंकि उसका मेल रैबिट का ऑपरेशन यहाँ बहुत लोग करीब मान के चलिए कि 1000 से ऊपर लोग करा चुके हैं 5-6 साल के अच्छा आपसे करवा चुके हैं सब रिकॉर्ड होता है। और सर जैसे मेरे को पूछना आप डॉक्टर धीरज आप ही हैं और आपकी टाइमिंग वगैरह क्या है जैसे 10 से 2, 5 से 9 का ऐसे 7 डेज ओपन होता है बाकी इमरजेंसी इस ब्रांच के लिए 24 आवर्स 10 से 15 मिनट में डॉक्टर भी अवेलेबल हो जाते हैं बाकी ये स्टाफ 24 आवर्स। और आप जैसे अवेलेबल कहाँ पर होते हैं यहाँ पर ज़्यादा या वहाँ पर दो ब्रांच होते हैं मन दो डॉक्टर हैं शिफ्टिंग होती है मॉर्निंग इवनिंग टाइमिंग दोनों का सेम ही है 10 से 2, 5 से। और सेकंड जो आपका ब्रांच है वो कहाँ पर सैयदगांव हनुमान मंदिर डॉक्टर धीरज पेट्स के नाम से और पश्चिम बिहार में और यहाँ की रिकॉर्ड लोकेशन बता दीजिए जैसे किसी को आना K129 आउटर रिंग रोड इसे कृष्णा पार्क एक्सटेंशन बोलते हैं नियर विकासपुरी आउटर रिंग रोड जी। तो जिसको भी जैसे कुछ प्रॉब्लम हो अपने पेट्स को रिलेटेड तो सर से बात कर सकते हैं आप है ना सर इसी में आप डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हैं सर। यार अब निकल चुका हूँ क्लिनिक से अब सीधे जाता हूँ घर में और खाया पिया भी कुछ नहीं है मेरे तो भाई पेट्रोल इसको बिल्कुल नील होने वाला है और सामने आपको दिख रहा है उत्तम नगर राइट टर्न लेके जाना तो वहीं पर ही कहीं पेट्रोल पंप होगा तो जाता हूँ क्योंकि आज शूटिंग पे भी जाना है। तो भैया बिना स्टार्ट करे चल रही है देख रहे यार फटाफट अब निकलता हूँ अरे 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 देख अरे 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 चलती जा रही है।